अगर आपके पास भी एक लो एंड पीसी है और आप एफपीएस गेम के फैन हो तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे 10 जबरदस्त एफपीएस गेम के बारे में जो आपके लो एंड पीसी पर इजीली चल सकते हैं, और सबसे बेस्ट बात यह है दोस्तों कि सारे गेम बिल्कुल फ्री है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है कॉम्बैट मास्टर। जी हाँ दोस्तों, कॉम्बैट मास्टर की बात करें तो 2023 का काफी पॉपुलर बैटल रॉयल गेम है। ये अभी भी काफी पॉपुलर है, बट अभी तक आपने इस गेम का नाम नहीं सुना है या आपने खेला नहीं है। मैं शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ कि अभी तक आपने एक वॉर जोन नहीं खेला है जो कि कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन आता है, किसी भी रीजन या लैपटॉप पे चल नहीं पाता, तो भैया ये गेम आपके लिए सोने पे सुहागा है। पूरा फीलिंग वॉर जोन का देता है, और सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों कि ये हमारे लो एंड पीसी लैपटॉप पे आराम से चल जाता है। हमें डेड मैच मोड देखने को मिल जाता है, कैप्चर द फ्लैग देखने को मिल जाता है, एंड फ्री फॉर ऑल देखने को मिलता है। ऐसे ही करके काफी सारे मोड्स इस गेम में आपको देखने को मिल जाते हैं। ग्राफिक्स बहुत ही रियलिस्टिक है जो आपको एक रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस देती है। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 4GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 में नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो कोर स्टूडियो में गेम आराम से चल जाएगा। और भैया स्पेस की बात करें 3GB के आसपास स्पेस खाली रखना अपने पीसी या लैपटॉप। वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे सेकंड गेम के ऊपर। वेल गाइस, जो हमारा सेकंड गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है ब्लड स्ट्राइक। स्पेस फर्स्ट पर्सन शूटर बैटल रॉयल गेम है जिसमें आपको एक्शन पैक गेम प्ले मिलेगा। अलग मैप और मोड्स में बैटल कर मौका मिलता है। आप अपने कैरेक्टर को कस्टमाइज कर सकते हो और वेपन्स को अनलॉक कर सकते हो। काफी सारे मोड सीखने को मिल जाते हैं जैसे कि टीम डेथ मैच, बैटल रॉयल। एज कम्पेयर टू अदर गेम्स इसमें भी आपको काफी बड़ा मैप देखने को मिल जाता है। आपको हाई क्वालिटी ग्राफिक्स है जो इम्प्रेसिव एक्सपीरियंस देती है आपको। वो काफी सारे डिफरेंट गन्स और एक्सप्लोजिव मिलते हैं जो गेम को और भी एंगेजिंग बनाते हैं। रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 में नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 5GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को प्ले करने के लिए। गेम फ्री टू प्ले है, आप आराम से इस गेम को प्ले कर सकते हो। तो वेल गाइस, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे थर्ड गेम के ऊपर। ठीक है, जो हमारा थर्ड गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है टीम फोर्ट्रेस 2। मल्टीप्लेयर फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है। इसमें आपको दो टीम में डिवाइड कर दिया जाता है, एक रेड टीम और एक ब्लू टीम। हर टीम का एक ऑब्जेक्टिव होता है अपोनेंट टीम को हराना। इसमें काफी सारे आपको मोड्स देखने को मिल जाते हैं जैसे कि कैप्चर फ्लैग मोड्स, कंट्रोल पॉइंट, पेलोड एंड किंग ऑफ द हिल्स। तो जो आर्ट स्टाइल है वो बहुत ही यूनिक है जो कि गेम को एक फनी और लाइट हार्ट फील देता है। गेम में आपको काफी सारे यूनिक वेपन देखने को मिलते हैं, साथ साथ हर एक कैरेक्टर का एक अपना एबिलिटी रहता है। कि टेस्ट सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो भैया रैम की बात करें तो मात्र 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 में नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 10GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को प्ले करने के लिए। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे फोर्थ गेम के ऊपर। फोर्थ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है डर्टी बॉम्ब। तो एक फ्री टू प्ले मल्टीप्लेयर एफपीएस गेम है। आपको फर्स्ट पेस एक्शन और टीम बेस्ड गेम प्ले का जबरदस्त कॉम्बो मिलता है। इस गेम में आपको सेटिंग पोस्ट कलेक्टिव लंदन में है। आपको मर्सनरीज के रूप में लड़ना पड़ता है। हर मर्सनरी की अपनी एक यूनिक एबिलिटी होती है जो कि गेम को और भी मजेदार बनाती है। एंड वेल गाइस, गेम में आपको दो मोड्स देखने को मिलते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव मोड और हमारा स्टॉप वॉच मोड। को अलग अलग मैप मिलते हैं। कभी आपको बॉम्ब प्लांट करना होता है तो कभी उसे डिफ्यूज करना होता है, या फिर आपको किसी एरिया को कैप्चर करना होता है। तो हर मैप का अपना डिस्टिंक्ट स्टाइल और चैलेंजेस होता है। रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 में नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो डुअल कोर में गेम आराम चल जाएगा। 7GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को प्ले करने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ गेम के ऊपर। फिफ्थ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम स्टंबल गाइस। फ्री टू प्ले गेम है आपके पीसी प्लेटफॉर्म के लिए। ऑल गाइस का अल्टरनेटिव गेम बोल सकते हैं एज इट इज। यहाँ पर आपको मैप्स देखने को मिलते हैं, टोटल यहाँ पर 32 प्लेयर्स देखने को मिलते हैं। एंड आउट ऑफ 32 यार यहाँ पर आपको फर्स्ट पोजिशन में आपको आने के लिए यहाँ पर आपको काफी सारे मिशंस कंप्लीट करने रहते हैं। एंड भैया मिशंस ऐसे वैसे नहीं, यहाँ पर आपको काफी चैलेंजिंग एंड काफी यार फनी मिशंस आपको देखने को मिलेंगे। और करेक्टर एंड स्किन्स यहाँ पर आप चूज कर सकते हो। एंड भैया यहाँ पर आपको लास्ट तक सर्वाइव करना रहता है एंड आपको यहाँ पर मिशंस को कंप्लीट करना रहता है। वाइल कंप्लीटिंग मिशन दोस्तों यहाँ पर आपको काफी मजा आने वाला है, क्योंकि भैया गेम काफी फनी है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस गेम में आप
मल्टीप्लेयर खेल सकते हो एंड सिंगल प्लेयर का भी मजा ले सकते हो। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो भैया रैम की बात करें तो भैया 4GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो भैया 512 नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो कोर में गेम आराम चल जाएगा। और दोस्तों स्पेस की बात करें 3GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। साथ बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ गेम के ऊपर। सिक्स्थ गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है Fistful of Frag। एक फ्री टू प्ले मल्टीप्लेयर गेम है जो कि ओल्ड वेस्टर्न स्टाइल पे बेस्ड है, पर्सन व्यू के साथ आता है। एंड वेल गाइस गेम में आप एक काउबॉय का किरदार निभाते हो जहां पर आपको रिवॉल्वर्स राइफल्स एंड ब्रो एरो के एरो जैसे पुराने गन्स का इस्तेमाल करके अपने अपोनेंट टीम को यहां पर डिफीट करना रहता है। एंड दोस्तों इस गेम में आपको अलग अलग मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं जैसे कि डेथ मैच, टीम डेथ मैच और ड्यूअल मोड। और जब आप इस गेम को प्ले करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ मल्टीप्लेयर में तो काफी मजा आने वाला है, आपको काफी यूनिक देने वाला है अगर आप एक वेस्टर्न मूवी जैसा फील करना चाहते हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो यहां पर आपके पास पेंटियम 4 होना चाहिए करने के लिए। और स्पेस की बात करें तो मात्र 4GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को प्ले करने के लिए। तो अगर आपका ही मन कर रहा है यार चलो थोड़ा काउबॉय बन के यार फटाफटी कर लिया जाए तो कूद फांद के जाओ एंड इस गेम को प्ले कर लो। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे सेवंथ गेम के ऊपर। जो मेरा सेवंथ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम Red Mage 2 बस यहाँ पर आप क्विक फॉरवर्ड गन फाइट है, उसे अपने आप स्पीड को भी इंक्रीज कर सकते हो एंड यहाँ पर आप उस हुक से अपने एनिमी को भी पकड़ सकते हो। जो अपोनेंट टीम के एनिमी है उसको डिफीट करना रहता है। आप अपने कैरेक्टर और वेपन्स को कस्टमाइज कर सकते हो। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मात्र 512 नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो डुअल कोर में गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 1GB के आसपास खाली होना चाहिए आपके पीसी लैपटॉप पे। तो अगर आपका मन कर रहा है चलो यार थोड़ा वेटी कर लिया जाए तो भाई कूद फान के जाओ और इस गेम को प्ले कर लो। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 8th गेम के ऊपर। 8th गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम सेल गन 3D की बात करें तो एक क्लासिक पिक्सेलैटिक स्टाइल फर्स्ट पर्सन शूटर FPS गेम है। पहले मोबाइल डिवाइस के लिए सिर्फ आता था बट अब ये PC एडिशन में भी माइनक्राफ्ट जैसा ब्लॉकली विजुअल के साथ आता है। पर इसका जो इस गेम का जो मेन फोकस है वो दोस्तों शूटिंग एंड मल्टीप्लेयर एक्शन पर है। मैं आपको बैटल रॉयल डेथ मैच एंड काफी सारे अदर टाइप्स के मोड देखने को मिल जाते हैं। गेम की मैप्स की बात करें तो वेल गाइस इसमें 100+ मैप देखने को मिलते हैं जो कि गेम को काफी यूनिक बनाता है और भी गेम से। गेम की सबसे अच्छी बात ये दोस्तों कि इस गेम को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 में नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें डुअल कोर में गेम आराम चल जाएगा। और स्पेस की बात करें तो भैया 2GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को प्ले करने के लिए। तो अगर आपका मन कर रहा है यार थोड़ा फाइटावाइटी कर लिया जाए तो कूद फान के जाओ एंड इस गेम को प्ले कर लो। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 9th गेम के ऊपर। गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है क्रैप गेम। गेम्स की बात करें तो भैया फर्स्ट पर्सन मल्टीप्लेयर गेम है आपके पीसी प्लेटफॉर्म के लिए। एंड इस गेम को डेवलप एंड पब्लिश किया गया डैनी के द्वारा। एंड डैनी दोस्तों काफी पॉपुलर यूट्यूबर। की बात करें तो भैया अगर आपने स्क्विड गेम का नाम सुना होगा या कभी ना कभी नेटफ्लिक्स में या कहीं ना कहीं उसे आप देखा होगा वही ये गेम है। एंड यहाँ पर आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो वो सभी टास्क जो अपन स्क्विड गेम में देखते हैं। 5 प्लेयर्स रहते हैं एंड भैया इसमें आपको 28 मैप्स देखने को मिल जाते हैं, 9 गेम मोड्स देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर अपना डेडिकेटेड सर्वर भी क्रिएट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स साथ भी खेल सकते हैं। एंड दोस्तों गेम का सबसे अच्छा बात ये है दोस्तों यहाँ पर आपको वॉइस चैट का सपोर्ट देखने को मिलता है, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ आप वॉइस चैट में बात कर सकते हैं। तो भैया ये चीज़ इस गेम को काफ़ी अमेजिंग एंड काफ़ी फनी बना देती है। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मात्र 512 मिनट है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो i3 में गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो मात्र 1GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आपका ही मन कर रहा है चलो यार थोड़ा स्क्विड गेम खेल लिया जाए तो भैया कूद फान के जाओ एंड इस गेम को इंस्टॉल कर लो। अब बढ़ते हैं हमारे 10th गेम के ऊपर। 10th गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है मॉक। मॉक एक सर्वाइवर गेम है जिसे डैनी के द्वारा डेवलप किया गया है। एंड वेल गाइस डैनी के बारे में बता दूं, डैनी एक काफी पॉपुलर यूट्यूबर है, आप उनके चैनल को भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। गेम में आपको रैंडम जनरेटेड आइलैंड में सर्वाइव करना होता है। आप आइलैंड पे स्पॉम होते हो, यहाँ पर आपको रिसोर्सेस को कलेक्ट करना होता है जैसे कि स्टोन, आयरन, वुड एंड उसके हेल्प से आपको यहाँ पर टूल्स एंड वेपन्स बनाने होते हैं। अब यार आपके मन में सवाल होगा यार हमें टूल्स या वेपन्स क्यों बनाने होते हैं, बता रहा हूँ
क्योंकि जैसे यार सुबह में तो आप क्राफ्टिंग करोगे, जैसे कि घर बनाना या अपना जो भी आपको रिसोर्सेज जो भी आपको मिलेंगे उससे आप यूटिलाइज करोगे, बट जैसे ही रात होती है तो यहाँ पर जो मेन स्टार्ट होता है गेम का यूनिकनेस, यहाँ पर आपके ऊपर मॉन्स्टर अटैक करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एका दुक्का नहीं, जहाँ तहाँ से आपके ऊपर मॉन्स्टर अटैक करने लगते हैं, तो यहाँ पर आपको उनको डिफीट करना रहता है। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो 2 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 में नीड है, एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो डुअल कोर में गेम आराम चल जाएगा, इसकी बात करें तो मात्र 2 GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को प्ले करने के लिए। तो अगर आपके मन कर रहा है चलो मॉन्स्टर को मार लिया जाए, कूद फन के जाओ इस गेम को प्ले कर लो। ऑलराइट, तो वेल गाइस यही कुछ 10 गेम थे लो एंड पीसी के लिए। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड अपने प्यारे प्यारे रसगुल्ले दोस्तों से जरूर शेयर करना, क्योंकि यार वो भी डिजर्व करते हैं ये सब गेम। तो तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक और ऐसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एंड हाँ दोस्तों, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उसे फटाफट से ज्वाइन कर लो अगर आपको कुछ भी ऐसा एरर आता है। तो तब तक के लिए बाय बाय।